अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। टॉप 10 न्यूज शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि आप जितने लाइक करेंगे उतना ही यूट्यूब ये वीडियो आगे रिकमेंड करेगा। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है किड्स प्ले जोन, जहां बच्चों को खेलने के लिए ट्रैम्पोलिन, सैंडपिट, बॉल पुल, स्लाइडिंग, बॉक्सिंग बैग और बहुत कुछ है। मोबाइल एडिक्शन से दूर बच्चों की चुस्ती, फुर्ती और तंदुरुस्ती के लिए आज ही विजिट कीजिए किड्स प्ले जोन एट 249A फर्स्ट फ्लोर, नेक्स्ट टू टिप टॉप स्वीट्स, कल्याण नाका, भिवंडी। एक चेन स्नेचिंग मामले के इन्वेस्टिगेशन में शांतिनगर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, जिसके पास से पुलिस को 5 फोर व्हीलर्स और 6 टू व्हीलर्स गाड़ियां बरामद हुई। वहीं डीसीपी योगेश चौहान का कहना है कि इस केस में और भी कई लोग संबंधित हो सकते हैं, जिनके पास से और भी कई गाड़ियां बरामद हो सकती हैं। भिवंडी महानगर पालिका ने एक बार फिर लाई अभय योजना, जिसके अंतर्गत 13 दिसंबर से 31 जनवरी तक महापालिका का बकाया टैक्स भरने पर होगा 100% ब्याज माफ, और 1 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक बकाया टैक्स भरने पर होगा 50% ब्याज माफ, डिप्टी मेयर ने दी जानकारी। मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइस जेट एयरप्लेन की आज कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही एयरप्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसके चलते पायलट ने यू टर्न मारकर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। फिलहाल दुर्घटना में सभी यात्री सुरक्षित हैं। 11 दिसंबर शनिवार रात 11:30 बजे से लेकर रविवार सुबह 4:30 बजे तक 5 घंटों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सभी ऑनलाइन सेवाएं रहेंगी बंद। बैंक ने सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए ग्राहकों को दी जानकारी। बताया जा रहा है कि इन 5 घंटों में बैंकिंग सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की प्रक्रिया की जाएगी। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं आज मुंबई के धारावी में ओमिक्रॉन से संक्रमित एक नया मरीज पाया गया। जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति अभी कुछ दिनों पहले ही तंजानिया देश से लौटा है, जिसका टेस्ट कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल व्यक्ति को सेवन हिल्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन ने सिर्फ नवंबर महीने में ही बिना टिकट के यात्रा करने वाले तकरीबन 2,81,000 लोगों से वसूले 18,70,00,000 रुपए, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा वसूली गई रकम है। साथ ही अप्रैल से नवंबर के बीच 9,60,000 लोगों से तकरीबन 55,28,00,000 रुपए फाइन वसूली गई है। वेस्टर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर सुमित ठाकुर ने दी जानकारी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते इस्तेमाल और मार्केट को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने मुंबई के 8 स्टेशंस पर ई व्हीकल चार्जिंग पॉइंट बनवाने का लिया फैसला, जिनमें भाईखल्ला, परेल, दादर, कुर्ला, भांडुप, कल्याण, पनवेल और लोकमान्य तिलक टर्मिनस जैसे स्टेशन शामिल हैं। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 18 के बाहर फिलहाल एक ई चार्जिंग पॉइंट बनवाया गया है। आज ब्रिहन मुंबई महानगर पालिका की मेयर किशोरी पेडनेकर को मिला धमकी भरा अनजान पत्र। इस पत्र में उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार किशोरी पेडनेकर ने कुछ दिनों पहले बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री आशीष शेलार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था, जिसके विरोध में ये पत्र किशोरी पेडनेकर को किसी ने भेजा है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने खतरे को मद्देनजर रखते हुए किशोरी पेडनेकर के दक्षिण मुंबई आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। आज सेंसेक्स 20 अंकों की गिरावट के साथ 58,786 पे हुआ बंद, वहीं निफ्टी 5 अंकों की गिरावट के साथ 17,511 पे हुई बंद। गोल्ड 48,178 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 61,151 पे और क्रूड ऑयल 5,424 पे ट्रेड करते हुए।